नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। आबू रोड में कांग्रेस द्वारा चलाए गए स्पीक अप फॉर वैक्सीन फॉर ऑल के ऑनलाइन अभियान में भाग लेते हुए सांसद नीरज डोंगी ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी टीकाकरण कराने की मांग रखी। सांसद नीरज डोंगी ने केंद्र की भाजपा सरकार से सभी राज्यों को सामान्य रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। केंद्र की सरकार अभी तक 75 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन निर्यात कर चुकी है, पर हमारे भारत देश में इसकी कमी बनी हुई है। केंद्र की सरकार को तुरंत प्रभाव से वैक्सीन निर्यात करने पर रोक लगाएं और केंद्र सरकार सामान्य रूप से सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराते हुए इस महामारी में एक बार फिर सभी के सहयोग से ही जीत हासिल कर सकती है। सांसद नीरज डोंगी ने दूसरी कोरोना लहर को काफी खतरनाक बताते हुए आमजन से अपील की है कि पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतते हुए राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और 2 गज की दूरी और मास्क पहनने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस अभियान में प्रदेश कांग्रेस के सदस्य और आबू रोड नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी ने भी भाग लेते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आमजन से अपील करते हुए कहा कि पूर्व की भांति हर कांग्रेस जनों को इस कोरोना महामारी की लड़ाई में गहलोत सरकार का हिस्सा बनकर कार्य करना है और अधिक से अधिक सरकार की गाइडलाइंस को आमजन के पालन हेतु प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना है, जब ही हम सब मिलकर इस जंग को जीत पाएंगे। नमस्कार। कोरोना ने देश को फिर से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है और कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तीव्रता के साथ में अपने संक्रमण को देश में फैला रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार कुशल प्रबंधन के साथ इस पर रोकथाम करे और जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना वैक्सीन की कमी नजर आ रही है, वहीं केंद्र सरकार 75 से भी ज्यादा देशों में 60 मिलियन डोजेज अब तक निर्यात कर चुकी है। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला जो कदम केंद्र सरकार का होना चाहिए वो इस निर्यात पर रोक लगाने का होना चाहिए और साथ साथ केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि कम से कम 18 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को समयबद्ध तरीके से समय पर एक समय सीमा तय करे, उस समय सीमा में उन तमाम लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लग सके ताकि कोरोना से जो है बचाव देश में इन नागरिकों का किया जा सके। आओ पुनः हम सब मिलकर के कोरोना की जंग में पुनः सफलता हासिल करें। धन्यवाद।